हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बंगाली स्टाइल ड्राई फिश करी की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को गर्म करने के लिए चूल्हे पे बिठा देंगे। तो कढ़ाई जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने कटोरी में ले लिया है ड्राई फिश। अभी इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में डाल देंगे चुटकी भर नमक और अभी इनको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। तो देखिए हमने इन्हें अच्छे से मैरिनेट कर लिया है और यहाँ पे कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी इसमें हम डाल देंगे तेल, दो बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो अभी इस तेल में हम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ ड्राई फिश और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। ड्राई फिश अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अभी इनको कढ़ाई से निकाल लेते हैं और इसी तेल में अभी हम डाल देंगे कटे हुए बैंगन और आलू। यहाँ पे मैंने चार बैंगन और एक बड़े साइज के आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर ले लिया है। आलू और बैंगन डालने के बाद अभी इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में डाल देंगे एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप लोगों को तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप लोग और मिर्ची पाउडर ऐड कर सकते हैं। साथ में डाल देंगे 15 से 20 क्रश्ड लहसुन और एक चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अभी इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही भुनेंगे। पांच मिनट हो चुका है, अभी इसको हम ढककर रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुका है, अभी हम ढक्कन को उठा लेंगे और देखिए सब्जी में से कितना सारा पानी निकला हुआ है। अभी इनको फिर से हम मिला लेंगे। और अभी इसमें हम डाल देंगे दो हरी मिर्ची जो बीच में से कटा हुआ है और एक ग्लास पानी, और पानी के साथ इनको फिर से मिला लेंगे। और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो देखिए करी में एक उबाल आ चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे फ्राई किया हुआ ड्राई फिश। ड्राई फिश डालने के बाद ड्राई फिश को अच्छे से करी में मिला लेंगे और 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको पकाएंगे और इनको फिर से हम ढककर रख देंगे। तीन मिनट हो चुका है, अभी हम ढक्कन को उठा लेंगे और ग्रेवी में जो आलू है उसे हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे। तो हमने आलूओं को मैश कर लिया है और ये करी बिल्कुल तैयार है। अभी गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे कढ़ाई से निकाल लेते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।